हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो भी हमारी मसीह भवन हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, पिता उन सभी को आशीष दे, बरकत दे, उनकी गरीबी को दूर करे, उनके आंसू को पोछे पिता, उनकी गरीबी को, उनकी बीमारियों को पिता ठीक करे। मेरे पिता, जो भी हमारे मसीह भवन चैनल से जुड़े हुए हैं, इन्हें आशीष दीजिए, ज्ञान बुद्धि दीजिए पिता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनिए। प्रार्थना ही प्रार्थना को काट पीट के नहीं देखते हैं, प्रार्थना को लगा के सुनते हैं, काट पीट के प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, ठीक है। हमें प्रभु की ओर ध्यान लगाना है, हमें घुटने टेक कर बैठना है और पिता से जो भी समस्या है पिता से बोलना है प्रार्थना में, ठीक है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहो और मेरा जीवित वचन तुम भी बना रहे तो जो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें वचन में बने रहना है, पिता में बने रहना है, प्रार्थना करना है, विश्वास करना है, विश्वास में मजबूत बने रहना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा पिता महान है, दयालु है, राजाओं का राजा है, करुणा निधि है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिता से कुछ भी नहीं छिपाएंगे, एक दूसरे के पापों को क्षमा करेंगे, पिता के सामने अपने गुनाहों को मानेंगे, तौबा करेंगे। हमारा पिता उन पापों को क्षमा कर देगा, हिम की नाई उजला कर देगा, श्वेत कर देगा हमारा प्रभु। हमारा पिता महान है, दयालु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो करुणा निधि है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ठीक है, यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिता ने कहा है, हम पिता से प्रेम करते हैं तो पिता की आज्ञाओं को भी मानना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ठीक है, हमें दो नाव में पैर रखना नहीं है, संसार से मित्रता करना, परमेश्वर को बारी बनाना है। संसार कुछ भी करता है, हमें एक दूसरे को देख देख कर अपना जीवन नहीं बिताना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि वो अच्छे कपड़े पहन रहा है, उसके पास घर है, बाइक है, वो घूमने जाता है बाहर, ये है वो है, तो आप एक दूसरे को देख कर अपना जीवन मत व्यतीत करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, पिता ने आपको चुना है, आप हॉलीवुड की तरह बॉलीवुड की तरह मत जियो। यीशु मसीह ने उनके लिए लहू नहीं बहाया है, पिता ने हम सभी के लिए लहू बहाया, हमारे लिए लहू बहाया, कीमती रक्त बहाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक दूसरे को देख देख कर जीवन मत बिताओ, फिल्मी गाने सुनना बंद कर दो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, इनका इनकी जगह नर्क में होगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिता के सामने अपने घुटने टेक कर बैठ जाइए और जो भी समस्या पिता से भूल डालेंगे। तो चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे पिता। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा मेरे प्रभु। मेरे पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जो बीमार हैं मेरे पिता, जो तमाम इलाज दवाइयाँ करा चुकी मेरे प्रभु, फिर भी वे नहीं ठीक होते मेरे पिता, वे अपनी बीमारियों को लेकर टूट चुके हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है मेरे पिता, परिवार वाले दुखी हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं मेरे प्रभु, किसी के पास इतना पैसा नहीं है मेरे प्रभु कि वे अपना इलाज हॉस्पिटल में करा सके। यीशु राजा मेरे प्रभु, आप उन्हें छुए मेरे पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, रिसीव करते हुए आमीन बोलते हुए रिसीव करें मेरे प्रभु। आप उनकी बीमारियों को ठीक करें मेरे स्वामी, आप उन्हें चंगा करें मेरे प्रभु, आप उन्हें चंगाई दीजिए यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। पिता आपकी स्तुति हो, आपकी बढ़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं यीशु पापा मेरे प्रभु। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जो गरीब है, जो लाचार है मेरे पिता, जो कमाने वाले नहीं मेरे पिता, उनके हाथ कमाने वाले हो जाए मेरे प्रभु। मेरे पिता इधर उधर हाथ ना फैलाने पाए पिता, 100-200 रुपये और 1000 रुपये पर पिता इधर उधर उधार ना लेने पाए मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, ये सबको छोड़ छाड़ के आपके पीछे आए मेरे प्रभु, आप इनका जीवन संभालिए यीशु राजा, आप इनका जीवन संभालिए मेरे प्रभु, ये टूटने बिखरने ना पाए यीशु राजा मेरे पिता। आप इनकी गरीबी को दूर करें मेरे प्रभु, जैसा कि पिता अपने वचन में कहा है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके नाम से मांगते प्रभु, आपके नाम से खटखटाते हैं, ढूंढते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, तमाम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे प्रभु, मेरे पिता इनकी गरीबी को दूर कर दीजिए मेरे प्रभु, इनके आंसुओं को पोंछ डालिए मेरे प्रभु, इनकी तंगी परेशानी को दूर कर दीजिए यीशु राजा, आपके सामर्थ्य नाम से। यश, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बढ़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवादेशु मेरे प्रभु, जो भी सभी से पाप गलती गुना हुई मेरे प्रभु, आप माफ़ करें, आप क्षमा करें मेरे प्रभु, क्योंकि पिता आप ही के पास अधिकार है मेरे पिता की, आप ही हम सभी के पापों को, गुनाहों को, धर्मों को क्षमा कर सकते हैं, ढाप कर सकते हैं मेरे प्रभु, आप ढाप दीजिए मेरे प्रभु, अपनी करुणा के अनुसार मेरे पिता, इन मसीह के अनुग्रह कर पिता, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे पिता, हम सभी के अपराधों को मिटा डाल मेरे यीशु राजा, मेरे महान पिता, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते यीशु राजा, हालेलुया, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा मेरे पिता, जो दुष्ट लोग हैं मेरे प्रभु, जो ताक झाक में लगे हैं पिता मेरे प्रभु, आप उन्हें क्षमा करें मेरे प्रभु, जो पिता दुष्ट लोग हमारे लिए फंदा बिछाए हैं, जाल बिछाए, गड्ढा खोदने मेरे पिता, वही आप ही इस गड़े में गिर जाए मेरे प्रभु, आपके सामर्थ्य नाम से हालेलुया मेरे प्रभु, जो आपसे मसीह भवन मांग रहे हैं, हाथ फैलाए हुए मांग रहे, पिता आप उन्हें दीजिए यीशु राजा, आप उन्हें दीजिए मेरे प्रभु, पिता जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं मेरे प्रभु, उनका रोना बिलखना चिल्लाना बंद हो जाए यीशु राजा, उनका रोना बिलखना चिल्लाना बंद हो जाए आपके सामर्थ्य नाम से, हालेलुया हालेलुया, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति हो, पिता आपने मुर्दों को जिलाया है, को दृष्टि दिया है, बोलिए पाई जो को शुद्ध किया मेरे प्रभु, आपने महान आश्चर्य काम किए हैं यीशु राजा, इसके लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, जो भी हम सभी से पाप गलती गुना हुए हैं पिता, आप माफ करिए, आप क्षमा करें मेरे प्रभु, क्योंकि पिता हम मानव जाति हैं, पाप में गिर सकते हैं, बिखर सकते हैं मेरे प्रभु, मेरे पिता आपने कहा जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा मेरे पिता, आपने कहा है मेरे प्रभु, जो आपने कहा है पिता, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक विश्वास करे रहेगा मेरे प्रभु, आपने कहा उसी का उद्धार होगा, उसी का छुटकारा होगा यीशु राजा, आपने कहा है प्रभु, आपने कहा है मेरे प्रभु, आपने कहा है मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, आपने कहा है वह तुझे महामारियों की जाल से, महामारी से और बहलियों की जाल से बचाएगा मेरे प्रभु, आपने कहा ऐसा वचन में मेरे प्रभु, इस वचन के द्वारा पिता हम सभी की सहायता करिए, मदद करिए, अगुवाई करिए, रक्षा करिए यीशु राजा, हालेलुया प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते यीशु राजा, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जो रात में नहीं सो पाते, डर लगता, भय लगता, गंदे सपने, ख्याल विचार आते, आपके नाम से मेरे प्रभु, जब वे लेटे मेरे प्रभु, तब ने सुख की नींद आने पाए मेरे पिता, कोई गंदा कोई डरावना सपना ना आने पाए मेरे प्रभु, जब ये लेटे तब ने सुख की नींद आने पाए पिता, इनके चार पाई के पास आपके लहू का बाड़ा बांध देते मेरे प्रभु, मेरे पिता आपने वचन में कहा है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तू सुख की नींद आएगी, पिता आपने कहा है मेरे प्रभु, मेरे पिता छोटे से मिलती उद्धार करता है, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुमेर कबूल करेगा, अमीन अमीन।